तो हमारे जंगलों में भी सेम ऐसी आवाजें आती है। जितने भी बर्तन हम दशहरे में लेके थे वो सारे वापस आके मुझे धोने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे पानी भरने में भी टाइम लगेगा। तो सबसे मेरी राम राम, जन्मदिन नमस्ते, कैसे तो सारे तो बिल्कुल बढ़िया है। दरअसल पिछले कल आई आसरी भेड़ा, एक है खुशी गल थी, तो आज की जो खुशखबरी है हिंदी दसा उसे बिल्कुल समझ आई। तो आज की जो खुशखबरी है वो ये है कि आज मैं जा रही हूँ फाइनली पार्क, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सेटिंग करने को है। दो तीन दिन सेटिंग करने में लग जाएंगे, साफ़ सफाई, तो दिहाड़ी पे भी हम दो लोग ले जा रहे हैं मतलब, तो आज साफ़ सफाई करेंगे, अच्छे से सेटिंग कर देंगे, फिर करेंगे हम काम शुरू वहाँ पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पार्क खुल गया है तो आप ज़रूर आए नेचर पार्क वगैरह में। तो मैं तो अभी तक निंदाई करी थी खेत में, और वहाँ पर बिल्कुल छाँव और धूप की एक किरण तक नहीं थी, क्योंकि पेड़ है वहाँ पर तो धूप बिल्कुल नहीं थी। मेरे हाथ इस टाइम ढंग से काम नहीं कर रहे, मेरे पैर इतने सुन पड़े हुए, तो मैं जाना अभी गर्म पानी से पैर धोने। तो मैं आऊँगी पार्क जाने के लिए भी लेट, तो मेरे को खाना तो मैंने बना लिया, पर बस उसमें हरी धनिया डालूँगी मैं, तो पैर धो लेती हूँ मैं गर्म पानी से। इसमें है ये बैल का नुकसान, दो तीन बार आ गया वो एक बार खाने के बाद। देखो नीचे धूप बिल्कुल नहीं, और नीचे ओस पड़ी हुई थी इस मिट्टी में, पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। तो मैं जा रही हूँ अभी काम पे, तो ये भी थोड़ी देर, मेरे भाई भी काम पे चला जाएगा, तो मम्मी फिर अकेले है, अब करते रहो। तो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ, मैंने कैमरा इसलिए रखा है ऐसा क्योंकि मैं इस तरह से देखे आपको मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे तो लगी है धूप, पर सामने जब मैं कुल्लू की तरफ देख रही हूँ पहाड़ियों में, तो बहुत धुंध धुंध सी लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश आ रही है। तो मुझे मिली थी यहाँ तक लिफ्ट, अब यहाँ से थोड़ी देर पैदल चलूँगी, फिर बस लूँगी, फिर बस स्टैंड से मुझसे सामान मंगाया इतना सारा, उसके बाद मैं फिर अगली बस मिलूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे बस स्टैंड जाके। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बस स्टैंड, तो यहाँ से मैं लेती हूँ मनाली के लिए बस। तो बस आने को अभी टाइम था, तो सोचा तब तक आपको यहाँ की लोकेशन दिखा देती हूँ। तो ये जगह है बस स्टैंड के बाहर, तो यहीं से बस अंदर की तरफ और मनाली की तरफ जाती है। तो सामने है गैस एजेंसी, तो मैं बोबेली पहुंच चुकी थी। तो मैंने ड्राइवर को बोला था नेचर पार्क बोबेली के पास रुकना, उन्होंने कहा ठीक है, उसने रोक भी दिया। तो मुझे कॉल आती है सामान लेने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे वापस पीछे आना पड़ा। तो मैं यहाँ से वीडियो बनाते बनाते जा रही थी, तो बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर दिख रहे हैं बाहर, तो टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो ऐसे में काम भी चलता, पर अभी शॉप बंद है, तो आप भी ज़रूर आइएगा। हेलो। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ बोबेली नेचर पार्क, तो वापस आने की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जल्दी जल्दी हम सेटिंग कर लेते हैं सामान की। तो हुआ यूँ, जैसे ही मैं बाहर पहुंची, मुझे कॉल आता है कि सर्फ साबुन स्टील वूल लेके आ। तो मैं उतरी थी पार्क के बाहर, तो यहाँ नहीं है शॉप, फ़ायदा मेरा कुछ नहीं हुआ आगे उतरने का, वापस मुझे पीछे जाना पड़ा, और पीछे से मैं वापस आ गई। फिर अब दोबारा अंदर पार्क के अंदर मैं पहुंच चुकी हूँ, तो टिकट काउंटर पे कोई नया है, तो ये मुझे टिकट के लिए पूछे थे, तो मैं बिल्कुल सीधे अंदर आई, तो मैंने कहा कि मैं अंदर होती हूँ। तो यहाँ पे मिल गए पुराने साथी, इनसे आपको मिलवाते हैं। इन्होंने अब तक पार्क साफ नहीं किया, रेत ही रेत दिख रही है मेरे को पूरे पार्क में, पता नहीं क्या किया इन्होंने। राम 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 राम, खाना चल रखो, याद नहीं मेरी आई, याद आई की के बाद यहाँ पे क्लोज था, लोग नहीं आते थे, जिनको नहीं पता था वो भी आ जाते थे। तो मैं आप सब लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि बोबेली नेचर पार्क अब खुल गया है, क्योंकि अब टूरिस्ट आने भी शुरू हो गए, सीजन टाइम है, तो बाहर इतने ज़्यादा टूरिस्ट घूम रहे हैं। तो अगर हमारा काम ठीक मतलब चला होता तो मतलब काफ़ी अच्छा रहता काम हमारा, दिसंबर तो उतना नहीं, मतलब जनवरी में थोड़ा ठीक रहता काम। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि पार्क खुल गया है, तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं कि पार्क खुल गया है नेचर पार्क बोबेली, तो आप आइए, हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे खूब यहाँ पे। तो लोग तो यहाँ पे अंदर कम हैं, लोग आते हैं पार्क देख के चले जाते हैं वापस, क्योंकि ना यहाँ कोई एक्टिविटी हो रही है, ना अभी खाने के लिए कुछ भी शॉप है। झील भी अभी क्लोज ही रहेगी, क्योंकि सर्दियों में पानी कम होता है नदी में, तो पानी चढ़ाना मुश्किल हो जाता है झील के लिए, तो पानी तो अभी नहीं होगा, अब जब पानी आएगा तो तभी यहाँ पे काम हो पाएगा। तो मैं पहुँच चुकी हूँ, अब दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या काम चला है। इन्होंने सारा सामान निकाल दिया बाहर, सबसे पहले तो मैं डंगा देखने जा रही हूँ, इन्होंने कैसा डंगा दिया यहाँ, ये हमारा पिलर हवा में झूल रहा था। डंगा तो दे दिया है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी नदी आई थी, कितनी बड़ी नदी आई थी,
डंगा तो दे दिया, पर यहाँ पे थोड़ा सेटिंग बिठाने के लिए, लोगों को बिठाने के लिए थोड़ा अभी यहाँ पे तारे लगानी थी। हाँ ये बाउंड्री लगानी है अभी, तब होगा ठीक। बम वाला पत्थर गायब हो गया, अब तो मतलब राफ्टिंग करने के लिए बहुत अच्छा हो गया, बट यहाँ वाली ये पत्थर यहीं की यहीं है। तो देखिए गिद्दड़े आ रही है सामने से चिल्लाते हुए, क्योंकि रात को जब हम सोते तो हमारे जंगलों में भी सेम ऐसी आवाज़ें आती है। ठंडे ठंडे पानी का चस्का लग रहा है इनको। यहाँ वाले पत्थर चले गए तो मैं कर लेती हूँ काम, गाड़ी दे रहे मुझे। मैं बर्तन धो रही थी, मेरे हाथ जाम हो गए अब ठंडे पानी से। बड़ा अच्छा साफ कर लिया इन्होंने बेचारे ने। ये दिहाड़ी पे लाए दो, जितने भी बर्तन हम दशहरे में ले गए थे वो सारे वापस आके मुझे धोने पड़ रहे हैं। मेरे हाथ बेचारे नाजुक हाथ ठंडे ठंडे। तो यहाँ पे पानी बने में भी टाइम लगेगा, तो रेत तो अभी तक है पार्क में, पूरे पार्क में। तो यहाँ पे आजकल आते हैं कपल ज़्यादा, बाकी फैमिली वाले कम। तो ये राफ्टिंग पॉइंट तो देखे, मिट्टी के ढेर, मिट्टी नहीं सॉरी रेत के ढेर, कैसा हो गया। पहले बिल्कुल नदी दिखती थी, यहाँ सभी मेरे को सिर्फ रेत के ढेर दिख रही है यहाँ पे। तो राफ्टिंग तो आजकल चली है और बहुत ज़ोरों शोर से, बस दूर खिला देते हैं लोग। राइट राइट राइट, सारे फूल मुरझा गए, पेड़ मुरझा गए, बेचारे उखड़ भी गए हैं। मैं दुकान से चाय और परांठा लेके आई, तो हम सब खा रहे अभी क्योंकि भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, काम कर कर के थक गए थे। तो अभी भी काम बाकी रह गया, तो नेक्स्ट डे अब देखेंगे काम क्या होता है। थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, पर ठंड हो रही थी, फिर गर्म पानी से भी बर्तन धोए, पर मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी बस आगे जाती है। अभी तो बिल्कुल लाइट ला लेगा, घर पहुँचने तक मुझे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा और मुझे जहाँ तक लग रहा है मुझसे बस भी छूट जाएगी। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और मेरे पास बिल्कुल भी चेंज नहीं है, तो यहाँ पे मैं इनको गूगल पे करूँगी, कैश मांगने की कोशिश करती हूँ अकाउंट पे। फिर मैं चलती हूँ, अब बस भी आने वाली है। तो अगर आप मनाली की तरफ जाते तो ये देखिए, ये लोकेशन है नेचर पार्क भेड़ की, HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। बहुत दिनों बाद आज यहाँ पे बस रोकने के लिए खड़े हूँ, तो बस भी नहीं आई ऊपर से। 5 बज रहे मेरी बस, ओ बस आ गई, मेरी बस छूट जाएगी आगे वाली, और पेट्रोल भरे रुक जाती है। ये हमारी पानाला की सवारी है, ये हमारी पानाला बस की सवारी है, इस तरह से बिजी रहते हैं। मुझे सीट मिली थी पर मैंने टाइगी को, अरे रात होगी रात। अब पहुंच चुके हैं मंदिर है में, सड़क के पास, अब चलना है पैदल। तो मैं पहुंच चुके हैं घर, घर में बनी छली की रोटी और माश की दाल, कर लेती हूँ डिनर, फिर अपना काम एडिटिंग का, फिर सो जाना, फिर नेक्स्ट कल फिर से जाएंगे पार्क। तो आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाय।